गाइज हम फाइनली आ गए इस पहाड़ों में जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा हिडन है। नंबर दूसरी बात बहुत ज़्यादा डेंजर भी है। यहाँ की ट्रैकिंग करने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। तो अगर मैं एक ही बात बोलूँगा कि ऐसे पहाड़ों में जाने के लिए क्या है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, बहुत ज़्यादा रिस्क भी होता है। तो आप लोग हम लोग यहाँ से पहाड़ों में जाएंगे। सबसे पहले पहाड़ों में ट्रेकिंग करेंगे, उसके बाद में यहाँ पे एक देखने लायक बहुत सारी अच्छी जगह है, तो उस अच्छी जगह पर हम जाएंगे। उसके बाद में फिर अपन दिखाते हैं क्या क्या होता है यहाँ से। तो ये पहाड़ कौन सी जगह है, पहाड़ में आपको बताऊँगा ब्लॉग के एंड में कि पहाड़ कौन सी जगह है। इसका व्यू मैं आपको दे देता हूँ स्टार्टिंग में, उसके बाद में फिर आप देखना पूरी ब्लॉग को। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। उसके बाद में आप कमेंट करके जरूर, भाई ये तो जंगल है पूरा, यही तो बात है। अच्छा इधर से निकलना पड़ेगा, आओ इधर से। गुरु ये जंगलों में कहाँ है, इधर से पहाड़ों में घुसना पड़ेगा। हाँ भाई ये तो बहुत ज्यादा डेंजर जगह लग रही है, बहुत खतरनाक। कोई नहीं आता यहाँ, जंगली जानवर तो नहीं रहते ना, सब है यहाँ, शेर वेर सब है, सारे मारेगा क्या मेरे को, लेम्पर्ड वगैरह सब है, टाइगर वाइगर सारे। अभी तो कहाँ आएंगे, अब वो अपने अपने जगह में है, अभी सुबह तो नहीं आएंगे। गाँव में ऐसे ऐसे बबूल होते थे भाई। सुनो कैमरे को सही पकड़ो, सुनो आराम से हिलना मत, आराम से मैं निकल रहा हूँ। कि यहाँ पे डर बहुत ज़्यादा लग रहा है। नंबर दूसरी बात ये है कि यहाँ से जो पीछे की साइड आपको मंदिर दिख रहा होगा, पीछे पहाड़ों में ऊपर की साइड एक मंदिर दिख रहा होगा, मैं जूम करके दिखा दूँगा आपको। उस मंदिर में हमको जाना है यहाँ से, और जंगल टाइप का है यहाँ पे, सूना सूना है पूरा का पूरा, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है हमको यहाँ से। मैं हूँ साथ में, मेरे अवधेश भैया है, उसके बाद में हम दो ही लोग आए। यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं, मतलब आस पास कोई भी नहीं दिख रहा। मैंने बहुत सारे पहाड़ चढ़ लिए, बहुत सारे जंगल में घूम चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे क्यों ना एक ऐसा डरावना सा माहौल, बिल्कुल मेरे को एक हॉरर मूवी वाली फीलिंग्स आ रही है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा डर है। ठीक है, केदारनाथ का मंदिर है क्या? अच्छा, तो मतलब कहाँ से सीधा पहाड़ चढ़ी थी क्या? सीधा पहाड़ नहीं चढ़ना, तो सीधे जाओ। हाँ एक दीवार से दिखेगी। अच्छा बहुत अच्छे से दिख जाएगी, ऊपर चढ़ जाओ उसके। हाँ तो पगडंडी वहीं पे। कितना टाइम लग गया तुमको चढ़ने में? क्या सनराइज यहाँ का ही दिखा देगा तुम्हें? सनराइज हाँ। अरे यार इंस्टाग्राम पे विराट दम ब्लॉगर यूट्यूब, यस आई एम इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे।
एक बार। ले विराट, वादियों टकरा गए हम, गेट प्ले।
फिर यहाँ ऊपर कैसा लग रहा है विराट? ऊपर आके थक गए, रिलैक्स फील करो। अब पहाड़ों से जो प्यार करते हैं वो थकते कभी नहीं, सिर्फ उनके हौसले थकते, उम्मीदें कभी नहीं थकते। ये हमारे विराट भी है, तो यहाँ का नजारा दिखाते हैं आप। क्या मेरे को रोक दिया भाई ना? अब है ना, सुनो, तो गाइस हमको चलते चलते समथिंग 45 से 60 मिनट यानी एक घंटे से हम चल ही रहे हैं। अभी तक तो हम टॉप पे पहुंच भी नहीं पाए और कंटिन्यू हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, लेकिन अब हमें जो रास्ता मिलना था वो रास्ता हमको मिल गया। ये पीछे दीवार बनी हुई है। इस दीवार के लिए उन्होंने बोला था कि भैया दीवार के पास पास से जाना। हाँ, तो ये दीवार वाला रास्ता उन्होंने बना रखा है, यहाँ से सीधा अपन ऊपर की साइड जाते हैं। ऊपर एक माता जी का मंदिर है, तो अपन माता जी के ऊपर चलेंगे, मतलब मंदिर में चलेंगे अपन पहाड़ के ऊपर। बहुत ज़्यादा रिस्की वे है। इसके लिए एक ही चीज़ बोलूँगा कि अगर आप जब भी आओ तो साथ में पानी जरूर लेके आना, क्योंकि हम लोग पानी बिल्कुल भैया थक गए। जिम वाले नहीं, ये इधर खाई भी दिखाऊं क्या? रास्ता बढ़िया
हमने तो बनवाया था ये। अच्छा? पहले पत्थर वत्थर पड़े थे, फिर जिम वालों को लाया बहन जो पहले रास्ता बनाओ छड़े। मतलब यहाँ पे पहले आप आए थे है ना? दो बार अपनी जिम वाले आए थे ना यहाँ पे ट्रैकिंग करने के लिए। एक लड़की थी उससे प्यार करता था ऐसे इसमें नहीं, ये तो कह रहे कितना अच्छा है ट्रैकिंग पे। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आप पहले आए हो ना यहाँ पे? हाँ दो बार आया था पहले। अच्छा अच्छा अपने जिम वाले आए थे यहाँ पे? हाँ बारिश के दिनों में आए थे हम है ना। बारिशों में तो वापस आएंगे यार दोबारा से। बारिश में बहुत अच्छा नजारा रहता है यहाँ। अरे भाई नजारे की बात कर रहे हो, उतरेंगे कैसे? मुझे ये नहीं, पानी मिलेगा नहीं मिलेगा ऊपर? ऊपर मिलेगा पानी। कैसे मिलेगा? हे एक माता जी का मंदिर है वहाँ पानी आता है पहाड़ों से, पहाड़ों से आता है। अरे पॉइंट पे ऊपर प्यास लग रही तेरी के ना। इतना जिनके यार 6 बजे ना, जिनके इरादे मजबूत हो उनको कभी प्यास नहीं लगती। ऐसी बात है, उनके सपने जो है वो ये कहते हैं कि आप कामयाब बनो। यही बात है लाइफ की। क्या चल रहा है? चल रहा है। तो भैया क्या बोलना चाहोगे अपने सब्सक्राइबर्स से? देखो मेरा ये मानना है कि अभी और चलने दो लाइफ में, लाइक आए नहीं आए, फॉलो आए नहीं आए, कोई आपके वीडियो देखे ना देखे, आप जब तक हार मत मानो, जबकि जब तक आपके इरादे ये ना बोले कि कामयाबी आपसे कुछ दूर हो रहा है। लोगों का काम है गिराना, आप उनकी बातें मत यकीन करो, लाइफ में बढ़ते रहो आगे। वो भी टारगेट से, वो टारगेट से ही ध्यान दो जो आपका दिल करे। जो मन करता है, दिल करता है ना, उसको दिल को सुनो आप। एक्चुअल में भूल कर रहा है ना? बिल्कुल सही बोला मैंने, राइट। क्योंकि अगर किसी के कहने से आप पीछे हट जाते हो, ये अगर कोई आपको बोल देता है कि आप नहीं कर पाओगे, तो इसका मतलब आपके जो दिल है ना उस पर आपका राज नहीं है, कोई और का है, इसलिए आप पीछे हट गए। सोचा आपने था करना आपको है, करना आपको है। ब्रेक लेते हैं। जूते खोल के जान। फाइनली पानी मिला। कितने घंटे बाद विराट? 2 घंटे बाद। फाइनली विराट को 2 घंटे बाद पानी मिला है। पानी पीने के बाद विराट कैसा लग रहा है? हम लोग हैं समुंदर तल से 21,000 फीट की ऊंचाई पे और आप देख सकते हो फाइनली विराट को पानी मिला है। अपना मुंह फेस वेस धो रहा है। ये एक पानी नहीं है, एक तरह से बूंद है, जिंदगी को सुकून है। पानी का जो ओरिजिनल वैल्यू है ना, यहाँ पे आने के बाद में पता चल रहा है कि पिछले 3 से 4 घंटे में हमें पानी मिला भी नहीं कहीं पर भी। अगर मैं बात करूँ इतने पैसे हो रहे थे इस पहाड़ पे चढ़ने के बाद में, मेरे को तो ये भी उम्मीद नहीं थी कि पानी ऊपर मिलेगा, क्योंकि हम जिस कहीं पे भी किसी भी पहाड़ पे गए ना पानी मिला ही नहीं हमको। और ये बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा मैं यहाँ पे जिसने भी टंकी लगाई होगी, जिसने भी पानी की सप्लाई की होगी, उनके लिए सच में दिल से बहुत बहुत थैंक यू। कोई लगाया उन्होंने सर नहीं देख। सर नमस्ते। हाँ किधर किधर है वो? उसका रास्ता उधर से, हम लोग तो। अच्छा उस पहाड़ उधर भी पहाड़ है, उस पहाड़ है क्या उधर? माता जी का मंदिर है उसी सोच के आए थे, लेकिन जब पहाड़ में घुसे तो
सामने से लो ना। लो आप बताएंगे सर। ये इधर ये आपने ये माता जी का, ये भी माता जी का मंदिर है क्या? केदार बाबा शंकर बाबा। केदारनाथ बोलते हैं। केदार लिखा ना, केदार महादेव जी का मंदिर है ये। और यहाँ पे मतलब शायद बोट वगैरह भी होती है लग रहा है। यहाँ पे देखो इधर भैया देखो, यहाँ पे रसोई भी होती है। मतलब लोग यहाँ पे मतलब जैसे बोलते हैं ना, वो सारे रसोई बोलते हैं, रसोई करते हैं। हाँ गोट वगैरह होती है। गोट बोलते हैं इसको। आप कहाँ से हो सर? मैं तो बिहार पटना से। बिहार से हो? अच्छा तो जयपुर में कितने टाइम से रहते हैं? मैं तो मेरा वो लगभग 2 साल हो चुका प्रॉपर जयपुर के लिए। ये सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं ना, यही हमारी अपार्टमेंट है। इसी अपार्टमेंट में मैं रहता हूँ। सर्विस अंडे के लिए मॉर्निंग में आ गए हो ना? ये आगे मॉर्निंग में आया हूँ। सनराइज यहाँ से देखा क्या? सनराइज नहीं, सनराइज तो यहाँ से आपको नहीं दिया। नहीं दिया देखने के लिए? नारा